हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये सीरीज का पार्ट 15 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लगभग 700 से प्लस प्रश्नों को यहां पर देखने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, और साथ ही साथ में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल भी यहां कवर करा रहा हूं। ये वीडियो आपके रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी सीवीटी2 एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, विश्व में सबसे छोटे कद के व्यक्ति खगेंद्र थापा का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम था खगेंद्र थापा और ये नेपाल के थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना आवश्यक है, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनकी लंबाई थी 67.08 सेंटीमीटर और ये कहां के थे? ये थे नेपाल के। इनका नाम था खगेंद्र थापा। दोस्तों, इनका नाम गिनीज बुक में 2011 में शामिल किया गया था। दोस्तों, बात नेपाल की हुई है तो याद रखिएगा, नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बनते हैं, तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुंबई को ही कहा जाता है भारत का हॉलीवुड। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का हॉलीवुड। और मुंबई को सात टापुओं के नगर से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, बात हुई थी राष्ट्रीय उद्यान की, तो याद रखिएगा, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तडोवा और पेंच एवं तनसा, ये चारों ही राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित हैं। और दोस्तों, एक झील जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि लोनार झील कहां स्थित है, तो याद रखिएगा, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोबे ब्रायंट का संबंध किस खेल से था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि बास्केटबॉल। दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है तो हम इसको देख लेते हैं जरा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, कोबे ब्रायंट एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और ये एनबीए यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के महान खिलाड़ी थे। और ये कहाँ के थे? तो दोस्तों, ये अमेरिका के थे। याद रखिएगा, ये 5 बार के एनबीए चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इनका अभी हाल ही में इनका निधन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया है। इस हादसे में इनकी 13 वर्षीय बेटी जियाना समेत 9 लोगों की मृत्यु हो गई। तो आप यहां से जरूर याद रखिएगा, कोबे ब्रायंट ये कहां के हैं? अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहां की गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं राम बी सुतार। क्या नाम है दोस्तों इनका? राम बी सुतार। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों रॉस टेलर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, रॉस टेलर न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, ये तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। तीनों फॉर्मेट्स यानी कि वनडे, टेस्ट और T20। बात दोस्तों न्यूजीलैंड की हुई है, तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड को। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन न्यूजीलैंड से पूछा जाने वाला कि माओरी जनजाति
किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों माओरी जनजाति का संबंध न्यूजीलैंड से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूगल ट्रम, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों भूटान, याद रखिएगा भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की राजधानी है थिम्पू। और यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, यानी कि बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश यानी कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है। भारत के किस शहर के रेलवे स्टेशन पर स्क्वाड मशीन स्थापित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये अपनी तरह की पहली स्क्वाड मशीन है जो कि किसी रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इस स्क्वाड मशीन को लगाया गया है। अब आपके माइंड में जरूर आएगा कि ये स्क्वाड होता क्या है, तो याद रखिएगा अगर हम हिंदी में कहें तो स्क्वाड का अर्थ है दंड बैठक। क्या दोस्तों? दंड बैठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला तैरता घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी किस राज्य में है? इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा गोवा में देश के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया गया है। अब आपको यहां से मैं आपको दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों। पहला है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और गोवा का राज्य पक्षी है दोस्तों कलगी बुलबुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों बात हुई है नर्मदा नदी की, तो याद रखिएगा यहां से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या है दोस्तों वो क्वेश्चन, तो हम देख लेते हैं। याद रखिएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है। और दोस्तों नर्मदा नदी पर दो प्रसिद्ध जलप्रपात हैं जिनके नाम हैं धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेरा का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है केरल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। याद रखिएगा केरल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इसका सही आंसर है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। याद रखिएगा दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव और इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यदि आपसे सिख धर्म का पूजा स्थल पूछा जाए तो याद रखिएगा इनका पूजा स्थल का नाम है गुरुद्वारा। CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पारित करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। याद रखिएगा यहां से केरल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। केरल में दो झीलें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जिनके नाम है अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील। तो याद रखिएगा अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील ये दोनों ही केरल में स्थित हैं। दोस्तों बात करते हैं हम अभ्यारण की, तो पेरियर अभ्यारण ये स्थित है केरल में। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कथकली किस राज्य का नृत्य शैली है? तो कथकली केरल की नृत्य शैली है और केरल को मसालों का बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है दोस्तों भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर कुछ नाम नजर आ रहे होंगे, इनके भी हम कुछ प्रसिद्ध नारे देख लेते हैं। तो दोस्तों
स्क्रीन पर आपके सामने था मंगल पांडे। तो याद रखिएगा, मारो फिरंगी को, ये नारा दिया है मंगल पांडे ने। बात करते हैं वंदे मातरम, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया। स्क्रीन पर आपके सामने था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। तो याद रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। और सारे जहां से अच्छा, ये नारा दोस्तों दिया है मोहम्मद इकबाल ने। और ये चारों ही नारे जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों आपके आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक दूसरी परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और इसका सही आंसर है दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल सेवा। याद रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों 12 जनवरी, यानी कि ऑप्शन बी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये राष्ट्रीय दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और आपको याद रखना है, भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है चीन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, चीन में ही कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया है। और यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम क्या दिया गया है। तो इसका आधिकारिक नाम है COVID-19। और दोस्तों ये नाम किसने दिया, तो ये नाम दिया है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। खाद्य व कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और इसका सही आंसर है दोस्तों रोम। तो याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है। दोस्तों यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप इन्हें भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों हिंदी में कहें तो खाद्य एवं कृषि संगठन, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1945 में। और मुख्यालय में आपको कवर करा ही चुका हूं, इसका मुख्यालय है रोम इटली में। दोस्तों क्या आपको पता है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसको स्थापित करने का उद्देश्य है विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर पर सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन हैं। इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जापान की संसद का नाम क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों डायट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको जाति संसद और नेसेट भी नजर आ रहे होंगे, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है, और द नेसेट ये है दोस्तों इसराइल की संसद का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस राज्य में सूर्य उदय और सूर्य अस्त अन्य तीन राज्यों से पहले होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। और याद रखिएगा, दो प्रमुख दर्रे जो कि अरुणाचल प्रदेश से कई बार पूछे गए हैं, पहला है बोमडिला और दूसरा है दिफू दर्रा, ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश के मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नेफा के नाम से। और प्रसिद्ध नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिताली राज किस राज्य से है। इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मिताली राज भारत की पूर्व क्रिकेटर हैं, और दोस्तों ये महिला क्रिकेटर हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके लिए जो कि एग्जाम में पूछा गया है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली ये पहली क्रिकेटर महिला हैं। और दोस्तों मिताली राज को लेडी सचिन के नाम से भी जाना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मिताली राज को लेडी सचिन के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। इसका सही आंसर है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन डी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से सांसद केंद्र में गृह, विदेश, रक्षा और वित्त विभाग के मंत्री भी रहे और भारत के उप प्रधानमंत्री का पदभार भी इन्होंने संभाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है यशवंत राव चव्हाण, यानी कि ऑप्शन सी। सिग्नेचर ब्रिज की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर है 575 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों इससे पहले भी मैं सिग्नेचर ब्रिज से कुछ क्वेश्चन आपको कवर करा चुका हूं, तो हम उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा सिग्नेचर ब्रिज ये कहां स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। और याद रखिएगा सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का पहला रज्जुकर्षण सेतु है। यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद स्थित ट्रॉनिक सिटी को जोड़ता है। इनमें से किसको फिल्म पर्दे पर आखिरी बार हिंदी फिल्म जीरो में देखा गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीदेवी, यानी कि ऑप्शन डी। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है ब्यूनस आयरस, यानी कि ऑप्शन सी। और दोस्तों याद रखिएगा अर्जेंटीना की मुद्रा है पीसो, कहीं कहीं आपको किताब में पीसो लिखा दिखा मिलेगा तो कहीं पैसो, ये दोनों ही वर्ड सही हैं, पीसो या पैसो। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा उत्तराखंड से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि किसी भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन है, तो वह है आपका उत्तराखंड। और याद रखिएगा उत्तराखंड में ही स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं जिनके नाम हैं सात ताल, नैनीताल, राक्षताल, मालाताल, देवताल और खुरपाताल। टीवी धारावाहिक चंद्रगुप्त मौर्य की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से इनमें से किस प्राचीन साम्राज्य की है? इसका सही आंसर है दोस्तों मगध, यानी कि ऑप्शन सी। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहां स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहां स्थित है, हैदराबाद में। इनमें से क्या सिरिल रेडक्लिफ और हेनरी मैकमोहन ने अलग अलग समय पर किया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके फैक्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट ही है। इसका सही आंसर है दोस्तों भारत की सीमा रेखाएं बनाई हैं। याद रखिएगा सिरिल रेडक्लिफ और मैकमोहन दोनों ने ही अलग अलग समय पर भारत की सीमा रेखा बनाई हैं। तो हम उन सीमा रेखाओं को देख लेते हैं। तो दोस्तों पहली है मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच स्थित है। और दूसरी है रेडक्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये दोनों ही रेखाएं दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? इसका सही आंसर है दोस्तों अलकनंदा, यानी कि ऑप्शन डी। और आपको नदियों के किनारे बसे नगर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं दोस्तों कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है दोस्तों सरयू नदी। याद रखिएगा अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनमें से क्या बने? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों बौद्ध धर्म, यहां से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूं। क्वेश्चन तो दोस्तों इतने सारे हैं कि लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां डिस्कस करा देता हूं। याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो वे हैं आपके गौतम बुद्ध, और इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहां है? तो याद रखिएगा इनका जन्म स्थल है लुम्बिनी, और इनके बचपन का नाम है दोस्तों सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ। याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य किस भाषा में दिए? तो इन्होंने अपने उद्देश्य पाली भाषा में दिए हैं। दोस्तों ये पांचों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है दोस्तों बैडमिंटन, यानी कि ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन ए।
तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये असम में स्थित है। और असम में ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और है दोस्तों, वो है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं, काजीरंगा और मानस। दोस्तों बात हुई है अभ्यारण्य की, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे कस्तूरी हिरण के लिए जाना जाता है। और दोस्तों बात मणिपुर से है, और किवुल लामजाओ याद रखिएगा, किवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, मणिपुर में, याद रखिएगा। इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहते हैं और ये लोकटक झील पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन ए। रामायण के अनुसार किसने कभी राजा त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण किया था, इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वामित्र, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र दो हिस्सों से बना होता है जिन्हें दायां और बायां कहा जाता है, दोस्तों इसका सही आंसर है तबला, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, तबले के दो हिस्से जिसे कहते हैं हम दायां और दूसरा बायां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा में इनमें से मानव शरीर के किस अंग को फुफ्फुस भी कहा जाता है, और इसका सही आंसर है दोस्तों फेफड़े, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।